तो भाई आप देख सकते हो उधर से भी गाय भाग गई है। अब देख सकते हो मैं लाल वाली बच्चे को पकड़ने आया था, ये भी बहुत ही ज्यादा पास में ही है। मैंने यहाँ पे बाइक भी खड़ी कर दी है। अब देख सकते हो यहाँ पे चारों ओर कोई नजर नहीं आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग, उम्मीद सब अच्छे होंगे। बागेश्वर धाम से आ गया था घर, तो आज मैं जा रहा हूँ गाय को पकड़ने के लिए जंगल की ओर। तो आपको दिखाता हूँ, बने रहिए आप, क्योंकि आज सुबह को ठंड भी बहुत है। देख सकते हो कितना कोहरा ही कोहरा है। बाइक भी यहाँ पे रेडी है, तो मैं चलता हूँ सीधा जंगल और आपको दिखाता हूँ चलकर गाय कैसी है गाँव की। चलिए चलता हूँ। पास ही अभी चलता हूँ पास में, बाइक खड़ी करता हूँ बाइक को, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके भाई, आपका भाई आ गया है जहाँ पे गाय रहती है। मैंने यहाँ पे बाइक भी खड़ी कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे चारों ओर कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हो गाय कितनी ज्यादा खड़ी हुई है। मैंने इस बार क्या किया, मैं रस्सी लेके आया हूँ इन गाय को एक को पकड़ने के लिए। तो मैं रस्सी लेके आया हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए तब तक मैं आपको पानी दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे जो लोग गाय लोग यहाँ पे पीते हैं पानी, वो आपको दिखा देता हूँ। नेचुरली ब्यूटी कितनी ज्यादा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो पानी है जहाँ पे गाय पानी पीती है, यहाँ के कितना साफ और स्वच्छ पानी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, बहुत ही ज्यादा अच्छा और पीसफुल जगह है यहाँ पे। आप देख सकते हो गाय भी बहुत पास में ही है। तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल पास में जाऊंगा इनके पास जाकर, अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूँ, देखता हूँ कैसा रिस्पांस देती हैं ये। वैसे ये रिस्पांस नहीं देती किसी को, कोई पास में जाता है तो भाग जाती है या किसी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस बार मैं जाऊंगा उनके पास और पास जाने के बाद मैं उनको पीछे से अटैक करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ क्या रिस्पांस देती है। बने रहिए आप। दोस्तों मैं जिस भाई को लेके आया था, मैंने उधर जगह पे भेज दिया उसको, तो मैं इधर से जा रहा हूँ। अगर वो उधर से भगाएगा गाय को तो मैं इधर से जाऊंगा, देखता हूँ किधर जाएंगी। तो चलिए चलता हूँ, भाई उधर जा रहा है तो मैं इधर जा रहा हूँ। चलिए, गाय क्या है, ये गाय बहुत ही डराती बहुत है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जंगल की गाय है ना, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। इनके सींग भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो आप देख सकते हो ये गाय 50-60 गाय एक ही झुंड में रहती है, वो किसी को आने नहीं देती पास में। तो आप देख सकते हो कितनी पास में है मेरे पास गाय। आप यहाँ पे मैदान देख सकते हो, कितना दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, वो भाई तो उधर जा रहा है तो मैं इधर छुप जाता हूँ कहीं पे, क्योंकि वो उधर से आएंगे तो मैं यहाँ पे शूट कर लूंगा उनको, और अगर कोई ऐसा कोई बच्चा होगा तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इधर खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे इसके नीचे, और मेरे सामने ही गाय है आप देख सकते हो। तो मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या रिस्पांस आता है। तो चलिए बैठा हूँ, तब तक वो भाई उधर से भगाएगा, फिर आपको दिखाता हूँ। भाई देख सकते हो वो भाई उधर से आ रहा है, तो ये देखो गाय चल दी है। ये बहुत ही ज़्यादा मजेदार गाय है, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे उनके पास कोई जाता है तो ये भागने निकलती हैं। तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं पास वो भाई आया तो ये देखो गाय एकदम निकलने निकली। तो लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन तब भी आप देख सकते हो ये भागने निकली गाय। ये देखो आप देख सकते हो गाय भागने निकली, ये देखो। लेकिन तब भी मैं क्या कर रहा हूँ, उनके पास जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। आप देख सकते हो मैंने भाई, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाय है यहाँ पे। तो यहीं पे आपका भाई आया था, आप देख सकते हो यहाँ से लेके वहाँ तक गाय ही गाय हैं। इनके पास अगर मैं जाता हूँ तो एकदम ये भागने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इन्हें पकड़ने आया हूँ। आप देख सकते हो गाय काली वाली, मैं लाल वाली बच्चे को पकड़ने आया था, क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, गिरी जैसा है ये बच्चा, तो मैं इसी को पकड़ने आया था। तो मैं कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखता हूँ, अगर कोई रिस्पॉन्स देंगी तो मैं ज़रूर इनको पकड़ूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो भाई आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाय है यहाँ पे। तो भाई आप देख सकते हो गाय, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था तब भी वो जा रही हैं उधर ही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बाइक उठाकर उधर ही जाता हूँ और उनके पास में वो दिखाता हूँ चलकर कैसा ये रिस्पांस देंगी। क्यों मैं उधर अगर भगाऊंगा तो उनके लोगों के जंगल में खेत भी हैं, तो यहाँ पे क्या है खेत में नुकसान भी करती हैं गाय,
इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर से ही इधर जाऊंगा। ये देखो आप रिटर्न फिर से आ रही हैं, वो जान जाती हैं क्या करने वाले ये लोग, वो एक्टिविटी समझ जाती हैं क्या ये आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। फिर से ये खड़ी हो गई, कहता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या ये भाव देती हैं या नहीं देती हैं। देख सकते हो पास में ही खड़ी हो गई आके, अभी डराती हैं इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हंटर लोग आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शिकारी आते हैं, वो यहाँ का गांव है तो यहाँ पे आते रहते हैं वो लोग। किसी ने गोली भी मारी है, मैंने देखा उसके जख्म बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डराती हैं गाय, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है कोई उन्हें मारने आया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गाय डराती हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा शांत पे खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे भी गाय ही गाय है, तो मैं क्या करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे रिस्पांस दूंगा क्या करती हैं क्या नहीं। यहाँ पे रुकती हैं ये लोग, उन्हें विश्वास जताना बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कठिन बात है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करती हैं। दोस्तों वो हमारे सामने गाय खड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा थोड़ा पास जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पास जाऊँगा, फिर ये देखती हैं क्या करती हैं ये। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा जा रहा हूँ, तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा पास में जा रहा हूँ, उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके पास में जा रहा हूँ, क्योंकि वो यहीं पे देख रही हैं, सीधा यहीं पे देखती हैं क्या करने आए हैं ये लोग। तो मैं क्या करता हूँ उसके पास में जाता हूँ थोड़ा, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। देख सकते हो वो इधर ही देख रहे हैं, ये आप देख सकते हो वो लोग इधर ही देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या करने आए मेरे साथ ये देखने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी गाय है, इसमें काली भी गाय है, वाइट भी गाय है, और यहाँ पे रेड भी गाय है। ये रेड वाली पकड़नी है गाय को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, वो गिरी गाय जैसी है। यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पे ये दूध देंगी या नहीं देंगी, मैं देखता हूँ। तो भाई मैंने उस भाई को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, देखता हूँ वो जाती है या नहीं जाती है। देख सकते हो मेरे सामने पीछे गाय ही गाय है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मैदान पड़ा हुआ है, ये देखो वहाँ से लेके वहाँ तक एंड तक ये मैदानी मैदान है। आप देख सकते हो यहाँ पे गाय रहती है, आके पानी पीती है, यहाँ पे जंगल है ये पूरा। वो भाई ने आगे बढ़ा, वैसे ये लोग गाय देखो निकलने निकली अपनी जगह से, आप देख सकते हो वैसी गाय अपनी निकल रही है। भाई आप देख सकते हो जैसे मैं पास गया वैसी गाय ये आगे जा रही है, ये आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कैसे जा रही है। तो भाई आप देख सकते हो उधर से भी गाय भाग गई है, कितनी तेज जा रही है गाय आप देख सकते हो, ये देखो। तो भाई इन्हें पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं इसमें भी नहीं गया, लेकिन ये तब भी गाय भाग रही है, पता नहीं क्यों ये डराती है बहुत ही ज्यादा, किसी ने मारा है या कुछ किया है ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। मैं पास में भी नहीं गया तब भी ये भाग रही थी गाय, आप देख सकते हो उधर गई फिर से इधर आ गई। तो मैं इतनी दूर पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो इतनी दूर हूँ मैं, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा भाग रही है, बहुत ही ज़्यादा डरा रही है। वैसे जंगल की गाय से डराती नहीं है, इनके साथ कुछ हुआ है, देख सकते हो। तो जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, मैं उनके पास नहीं गया बिल्कुल भी, तब भी बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी गाय, आप देख सकते हो मेरे पास नहीं है, कितनी दूर चली गई हैं गाय, बिल्कुल भी नहीं दूर गया था। लेकिन मैं आज मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल है इनको पकड़ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरा गई हैं गाय। तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट दिन कभी भी आऊँगा तो मैं क्या करूँगा इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, तो ये देखता हूँ रिस्पॉन्स देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि आज इनके साथ कुछ हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डरा गई हैं, किसी ने मारा या कुछ किया है मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं क्या करता हूँ उन्हें जाने देता हूँ, क्योंकि आज वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं अपने को। तो मैं क्या करता हूँ मेरी बाइक भी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मैं सीधा घर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ, कितना प्यारा यहाँ पे व्यू है, आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे लगता होगा इन गाय को, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हरियाली हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैदान है, क्योंकि इसे बोलते हैं गोबर, यहाँ पे गाय के लिए छोड़ा गया है, सरकारी जगह है यहाँ पे, GS की जगह है, ये GS की जगह है ये गोबरिया, तो यहाँ पे गाय रहती हैं, यहाँ सरकारी जगह है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाय रहती हैं। ओके गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, ना जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि गाय मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट टाइम आऊँगा आपको दिखाऊँगा आके, तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगले टाइम मैं आऊँ इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।